हेलो, आई एम आबिदा एंड वेलकम टू विंटर डिजर्ट ट्यूसडे सीरीज एपिसोड 6। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर की खीर। आपने गाजर का हलवा तो कई बार खा रखा होगा, पर आज की हमारी जो ये खीर की रेसिपी है ये एकदम अलग और यूनिक होने के साथ साथ खाने में बहुत ही ज्यादा मजेदार भी है। तो आइए जल्दी से हमारी गाजर की खीर की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में आने वाले इस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो गाजर की खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें दूध में उबाल आने देना है। तो यहाँ मैंने लिया है 2 लीटर दूध। इस दूध को हम उबाल आने तक पका लेंगे। तो जब तक इस दूध में उबाल आ रहा है हम खीर की बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ गाजर की खीर बनाने के लिए मैंने ली है 500 ग्राम गाजर। इन सभी गाजर को छील कर मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, जिससे कि इसमें कोई भी मिट्टी का एक भी दाना नहीं रहे। अब हमें करना क्या है कि ये जो धुली हुई गाजरें हैं इन सभी गाजरों को हमें कद्दूकस करना है। तो हम लेंगे एक ग्रेटर और इन सभी गाजरों को हम इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सभी गाजरों को कद्दूकस कर लिया है। ये गाजरें ना तो मैंने बहुत ज्यादा मोटी कद्दूकस करी है ना ही बहुत ज्यादा बारीक, ये मीडियम साइज की मैंने ग्रेट करी है, जिससे कि ये गाजर दूध में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी और हमारी खीर को बहुत अच्छा सा टेक्सचर देगी। तो अब इन ग्रेट करी हुई गाजरों को दूध में डाल देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे दूध में भी बॉयल आ गया है। अब इस उबाल आए हुए दूध में हम ये कद्दूकस करी हुई गाजर डाल देंगे और साथ ही इस खीर को बहुत ही अच्छा टेक्सचर और बहुत ही अच्छा फ्लेवर देने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े से चावल। तो यहाँ मैंने लिए हैं लगभग 1/4 कप चावल। इन चावलों को अच्छी तरह से वॉश करके मैंने लगभग 15 से 20 मिनट पहले पानी में सोक करके रख लिया था। चावल को मेजर करने के लिए मैंने इस तरह का मेजरिंग कप यूज किया है। अब इस भीगे हुए चावलों में से हम इसका एक्स्ट्रा पानी हटा देंगे और इन चावलों को भी हम इस दूध में डाल देंगे। अब गैस का फ्लेम हम हाई करेंगे और गाजर और चावल को खीर में अच्छे से मिलाकर दूध में एक उबाल आने देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी खीर में उबाल आ गया है। अब इस खीर को हमें जब तक गाजर और चावल बहुत अच्छी तरह से नरम नहीं हो जाते हैं और खीर थिक नहीं हो जाती है तब तक इसे हमें पकाना है। साइड में लगने वाले इस दूध को भी हम स्क्रैच करके खीर में ही मिलाते जाएंगे। तो लगभग 15 से 20 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं हमारी चावल और खीर बहुत अच्छी तरह से नरम हो गए हैं। ये खीर आपको अभी भी पतली लग रही होगी क्योंकि इसमें हमने गाजर डाली है और गाजर में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पानी होता है। तो जब आपको लगे कि चावल और गाजर अच्छे से नरम हो गए हैं तो स्पैचुला या चम्मच की मदद से हम इन चावल और गाजर को हल्का हल्का सा मैश कर लेंगे, जिससे कि हमारी खीर थिक हो जाएगी और उसका स्वाद भी और दुगुना हो जाएगा। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप चावलों को और गाजर को मैश करना शुरू करेंगे ये खीर और ज्यादा थिक होने लग जाएगी। तो अब हमारी खीर की थिकनेस काफी सही हो गई है। तो इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे थोड़े से चॉप करे हुए ड्राई फ्रूट्स और लगभग 3/4 कप चीनी। चीनी की क्वांटिटी गाजर की मिठास पर भी डिपेंड करती है, आप इसकी क्वांटिटी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद इस खीर को हम थोड़ी सी देर और पका लेंगे जब तक कि चीनी अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो जाती है। ध्यान रखिए जब तक चावल और गाजर अच्छे से नरम ना हो जाए तब तक आप इस खीर में चीनी नहीं ऐड करें। तो चीनी डालने के बाद लगभग इस खीर को मैंने 4 से 5 मिनट और पकाया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये काफी थिक हो गई है। ये जैसे जैसे ठंडी होगी और ज्यादा थिक होती जाएगी। तो इस स्टेज पर हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे इससे ज्यादा नहीं पकाएंगे। तो गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद इस खीर में हम ऐड करेंगे लगभग 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। इलायची पाउडर को खीर में अच्छे से मिला लेंगे और यहाँ हमारी बहुत ही मजेदार और बहुत ही आसानी से बनने वाली गाजर की खीर, या फिर यूं कहें कि गाजर और चावल की खीर बनकर तैयार है। तैयार गाजर और चावल की खीर को हम चॉप ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे और ठंडी या गर्म जैसे भी आप प्रेफर करें इस गाजर और चावल की खीर को एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी गाजर और चावल की खीर बहुत ही पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन हैव अ फ्लेवरफुल ईटिंग।